हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th के टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स, उसके अंदर हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ ट्रांसवर्सल लाइन। आज हम पार्ट 5 में इसकी थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपने इसके पहले 4 पार्ट्स नहीं वॉच किए हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उसको रेड बटन को प्रेस करके आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। और आज की वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन है ऑलरेडी, इस फिगर को ध्यान से पहले ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ए बी और सी डी जो हैं वो दो लाइन्स हैं, ठीक है। आपको इन दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल एल, तो सबसे पहले ये जो ट्रांसवर्सल है इसका नाम है एल, कट्स टू लाइन ए बी एंड सी डी एंड ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। देन ई जी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई एफ, ये ई जी जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है और जो एफ एच है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है। अब आपको प्रूफ दो चीज़ें करनी है, ई जी इज़ पैरेलल टू एफ एच और ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो सबसे पहले हम टू प्रूफ में तो यही आ जाएगा हमारा, ये प्रूफ करना है हमें। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं। अब प्रूफ के लिए मैं क्या करूँगी, इसको एंगल 1 मान लेती हूँ और इसको एंगल 2 मान लेती हूँ। अब अगर ई जी जो है वो बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर का मतलब होता है दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। अगर ई जी जो है बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए ई एफ का, तो देयर फोर एंगल 1 जो हो जाएगा वो ए के इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल 1 और ए इक्वल हो गए, मतलब ये भी ए हो गया। अब अगर आपका एफ एच जो है वो बाइसेक्टर है किस एंगल का, ई एफ डी का, वो आपको गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो एंगल 2 जो हो जाएगा वो बी के इक्वल हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब हमें एक चीज़ और गिवन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, यानी कि एंगल ए एंगल बी अगर गिवन है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल और 1 और 2 क्या हैं आपस में, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। आपको पेयर मिल गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, सो देयर फोर वी कैन राइट ई जो जी है दैट इज पैरेलल टू एफ एच, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट जो चीज़ है ई जी इज पैरेलल टू एफ एच प्रूव हो गया। हमने कैसे किया एक बार इसको फिर से देखते हैं, इसको एंगल 1 मान लिया, इसको एंगल 2 मान लिया, ठीक है। ये बाइसेक्टर है तो एंगल 1 ए के बराबर हो जाएगा, एंगल 2 बी के बराबर हो जाएगा। एंगल 1 और 2 आपस में क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो अगर ऐसा कुछ पेयर मिल जाता है तो ये दोनों लाइंस क्या हैं आपस में, पैरेलल हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमें क्या प्रूव करना है, ए बी और सी डी प्रूव करना है। अब अगर मैं इस पूरे एंगल को 3 एंगल मान लूँ और इस पूरे एंगल को 4 एंगल मान लूँ, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर देखिए एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, a, a प्लस a 2a हो गया। इसी तरह से एंगल 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2b। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई और ये हमारी फोर्थ इक्वेशन बन गई। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है a इज इक्वल टू b होता है, ठीक है, तो आपस में 3 और 4 क्या है आपस में, ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 4, सेम रीज़न लिख सकते हो ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अगर दोनों ऑल्टरनेट हैं तो क्या होगा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को देखकर और उसको इस तरह से निकाल कर आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आइए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको पूरा देखिएगा, और प्लस ये हॉट्स वन ऑफ द हॉट्स क्वेश्चन है तो इसको ध्यान से देखना किस तरह से प्रूव करना है। अब हम क्या करेंगे, इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। अब क्या है, हमारे पास दो लाइंस हैं, ठीक है, दो लाइंस हमने ड्रॉ कर ली और ये ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रही है। सबसे पहले हम इसको नाम दे देंगे ए बी सी डी और एल हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है। देन प्रूव दैट बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर्म अ रेक्टेंगल। जो आपको बुक्स में दे रखा होगा क्वेश्चन का सोल्यूशन वो आपको एंगल्स के साथ दे रखा होगा, मैं इसको नंबर्स के साथ आपको कर दिखाऊंगी। आप देखिए ध्यान से, इंटीरियर एंगल्स की बाइसेक्टर्स, तो सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स है कौन से, ये और ये और ये वाला, ठीक है, ये इंटीरियर एंगल्स हैं हमारे। इन सब के क्या हैं, बाइसेक्टर्स, मतलब ये बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर,
ये बाइसेक्टर और ये बाइसेक्टर। उसने कहा जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं उनके जो बाइसेक्टर्स हैं वो क्या बना रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स में एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। तो इस रेक्टेंगल का मैं नाम रख देती हूँ पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल बन रहा है। तो सबसे पहले रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। क्या प्रूफ कर दें, एक तो हम प्रूफ कर दें अगर एक एंगल उसका 90 डिग्री है तो वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैसे शुरू करेंगे इसको। हमारा प्रूफ, सबसे पहले हमारे पास ए बी पैरेलल टू सी डी है, यानी कि हमारे पास ये जो एंगल्स हैं मैं इनको नाम दे रही हूँ 1 और 2। ठीक है, अब मेरा जो 1 और 2 एंगल है वो आपस में क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अगर मैं एंगल 1 का हाफ कर दूं और अगर एंगल 2 का भी हाफ कर दूं, ठीक है, दोनों तरफ हाफ ले लिया, तो इनके नाम मैंने रख दिए, ये हो गया 3, 4, 5 और 6। ठीक है, इनके अलग अलग नाम रख दिए, एंगल 3, 4, 5 और 6। तो एंगल 1 का हाफ करूँगी तो 4 हो जाएगा और एंगल 2 का हाफ करूँगी तो 5 हो जाएगा। एंगल 4 इज इक्वल टू 5। अगर एंगल 4 इज इक्वल टू 5 है तो ये भी ऑल्टरनेट हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसकी वजह से हमारा एक पेयर मिल गया हमें, तो देयर फोर हम लिख सकते हैं पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस। ठीक है, जो ये लाइन है ये मैं ब्लैक कलर से कर रही हूँ इसको, ये जो लाइन है पी क्यू और आर एस, ये आपस में क्या हो गई, पैरेलल प्रूव हो गई। क्यों हुई, क्योंकि आपस में इनमें दो क्या मिल गया, एक पेयर मिल गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अभी तक जितनी भी पिछली थ्योरम्स करी हैं वो इसी के ऊपर बेस थी। अब हमने दूसरी साइड भी प्रूव करनी है, पी एस इज़ पैरेलल टू क्यू आर, पर वो हम प्रूव नहीं करेंगे, वो सिमिलरली लिख सकते हैं हम, सिमिलरली पी एस इज़ पैरेलल टू क्यू आर। अगर अब चारों साइड्स पैरेलल हैं तो देयर फोर क्या हो गया, जो पी क्यू आर एस हो गया वो क्या प्रूव हो गया, पैरेललोग्राम, क्योंकि चारों साइड्स पैरेलल हैं और ये पी क्यू आर एस क्या प्रूव हो गया, पैरेललोग्राम। बट हमें क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए एक एंगल कोई भी 90 डिग्री होना ज़रूरी होता है। तो क्या करेंगे, ये पूरा एंगल कितना है, 2 एंगल, इस एंगल को मैं मान लेती हूँ 7 एंगल। ठीक है, नाम के हिसाब से चलते हैं। अब जो 2 और 7 हैं, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। तो एंगल 2 और 7 क्या बनाएंगे, 2 + 7 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, 2 + 7 की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लीजिए, और इसका रीज़न क्या लिखेंगे आप, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि दो लाइंस पैरेलल हैं। ये मैंने आपको सारी पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, 2 + 7 की वैल्यू कितनी हो गई, 180। अब अगर मैं हाफ ऑफ एंगल 2 कर दूँ और हाफ ऑफ एंगल 7 कर दूँ तो क्या आ जाएगा, इसका भी हाफ हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई 2। हाफ ऑफ एंगल 2 का हाफ क्या होएगा, 5 अंदर वाला एंगल। ठीक है, और हाफ ऑफ एंगल 7 का हाफ मैंने मान लिया ये 8 है और ये 9 वाला एंगल है। हाफ ऑफ एंगल 7 मतलब 8, यानी कि 90 डिग्री। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब एंगल 5 और 8 की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। अब इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, क्यू आर एस, मैंने ऑलरेडी टिक लगा रखे हैं। क्यू आर एस में क्या होगा, एंगल ट्रायंगल एंगल्स एंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये जो तीनों एंगल्स का सम है वो कितना होगा, 180 डिग्री, यानी कि 5, 9 और 8 का सम, यानी कि 5, 8 और 9 का सम कितना है, 180 डिग्री। बट 5 और 8 का टोटल सम कितना है, 90, तो मैं इसमें 90 वैल्यू डाल सकती हूँ प्लस एंगल 9 इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल 9 की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री हो गया। एक एंगल प्रूव हो गया 90 डिग्री, सो देयरफॉर वी कैन से दैट पी क्यू आर एस जो है वो क्या है, एक
रेक्टेंगल है। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया, दो लाइंस को पैरेलल प्रूफ किया, यानी कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस प्रूफ किया। वो किस तरह से कर सकते हैं हम, हमें पता है कि एंगल वन और टू आपस में क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका हाफ किया, इसका हाफ किया, तो हमें मिल गया फोर और फाइव, जो कि ऑलरेडी ऑल्टरनेट हैं। पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस, सिमिलरली क्यू आर इज़ पैरेलल टू पी एस, यानी कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम शो हो गया। बट हमें क्या शो करना है, रेक्टेंगल शो करना है। तो हमने क्या किया, हमें पता है कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इन दोनों में से कोई एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री, यानी कि ये वाला टू एंगल और ये वाला पूरा एंगल 7, तो इसका पूरे का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इन दोनों का भी हाफ कर दिया, अंदर वाले एंगल्स का नाम क्या है, 5, और इसका नाम मैंने रख दिया 8, तो 5 और 8 का सम 90 आ गया। अब इस ट्रायंगल में ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, 5 प्लस 8 प्लस 9 180, इसकी वैल्यू पुट करी तो एक एंगल हमें मिल गया 90 डिग्री, यानी कि इस पूरे पैरेललोग्राम में एक एंगल की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। सो देयरफॉर जो ये एंगल है वो ट्रायंगल, जो ये पी क्यू आर एस है वो क्या है, रेक्टेंगल है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इनके नेम्स के साथ भी कर सकते हैं तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस तरह से एक दो बार आप प्रैक्टिस करें तो आपको सॉल्व करना आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने लाइंस एंड एंगल्स के ऊपर ट्रांसवर्सल लाइन का टॉपिक जो है वो फिनिश कर लिया है। इसके अंडर जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारी वैरायटी ऑलमोस्ट हमने कवर कर चुकी है। अब लाइंस एंड एंगल्स में से सिर्फ एक टॉपिक बचा है, दैट इज़ एंगल्स एंड प्रॉपर्टी। वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कोई भी वीडियो ना मिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काइंडली बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और अगर आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसको प्रैक्टिस ज़रूर करें। और अगर कोई डाउट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हैव अ नाइस डे।